खबर कटनी से आ रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी रंगनाथ थाने में धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार जीआरपी थाना प्रभारी और अन्य आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी। दलित के साथ अमानवीय घटना करने वाले दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। मामले की जाँच कर रहे कटनी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऑनलाइन जीरो पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जीआरपी पुलिस जीरो पर मामला दर्ज होने के बाद आगे की कार्यवाही करेगी। जीतू पटवारी ने अंत में मीडिया का अभाव जताया और कहा कि सत्य की जीत हुई है। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। कितनी यातना, कितना प्रशासनिक खंडधर्मी का और इतनी ताराशाही। मोहन सरकार की, बीजेपी की सरकार की दलितों के खिलाफ है, उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। जब हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, उसको आज प्रमाणित किया मोहन भैया की सरकार ने, उनके प्रशासन ने, उनके मंत्रालय ने। अल्टीमेटली झुकना पड़ा या न्याय देना पड़ा। मैं सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी हमारे मीडिया के कर्मियों को खूब साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसे इशू को पब्लिक डोमेन में लाया, मेरे तक पहुँचा। और हमने कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दायित्व निभाया और इस इशू को दलितों के खिलाफ जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं उसके लिए एक उदाहरण के रूप में लिया। जैसा मैंने कहा, 6 लोग सस्पेंड हुए हैं, 4 और एक 5 सस्पेंड हुए हैं। अभी आने वाले समय में सब पे कोर्ट से इनकी नौकरी की परेशानी आएगी। मैं सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से इस पूरे मुद्दे के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के नौकर बनना बंद करो। आप प्रशासन का दायित्व निभाओ। सर्विस रूल के बुक के जो निर्देश आपको मिलते हैं या उसकी शपथ लेते हैं उसको निभाओ। देखिए, पीड़िता ने यहाँ पर आके और शिकायत दी है और जिस संबंध में शिकायत में संपूर्ण तथ्य जो है उसमें समाहित है। इस शिकायत को हमने जो है प्रॉपर लिया है और जो शिकायत का रजिस्टर है उसमें एंट्री किया है और इनको प्रॉपर एक रिसीविंग दी है। साथ ही साथ इस शिकायत की जो है हमने नामचे में एंट्री भी की है और इसको ऑनलाइन अपडेट भी किया। पीड़िता देखिए, जो आरोपी था जीआरपी में, जिसके साथ मारपीट हुई थी जीआरपी थाने में, वही पीड़िता है और उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है। उनका यही कहना था कि प्रथम रूप से जो है यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन किया जाए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए। हमने इसको पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन किया है और इसके बाद हम इसको जो है जीआरपी थाने में भेज रहे हैं।